नमस्कार, जम्मू परिवर्तन न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी न्यूज़ें भी कई बार चल जाती हैं कि लोग गलत अफवाह के कारण कई लोगों का करेक्टर खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से एक न्यूज़ चली थी ग्लोबल वेलफेयर ट्रस्ट के अगेंस्ट जम्मू परिवर्तन के थ्रू, तो जिस लेडीज़ के खिलाफ वो खबर चली थी, आज वो लेडी हमारे पास आए और वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। उन्होंने बताया कि मेरी ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड है और विमला देवी की ओर से जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सरासर गलत हैं। तो उन लेडी से बात करते हैं तो बताते हैं आपको क्या कारण था उसका। जी मैडम, क्या बताएंगे क्या कारण था उसका जो ये सारी न्यूज़ चली थी और क्या विमला देवी की ओर से जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उस पर क्या कहना होगा आपका? जो विमला देवी है वो मेरी एम्प्लॉई थी, मैंने ग्लोबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो मैंने अपना बनाया है, ट्रस्ट है मेरा, उसका सेंटर मैंने वीरपुर में लॉन्च किया था। जिनके घर में मैंने सेंटर लॉन्च किया था उनका नाम मस्तराम जी है और वहाँ पे मैंने एक टीचर रखी थी, वो थी विमला देवी। विमला देवी की मानसिक स्थिति मुझे नहीं पता कि वो खराब थी और इस कारण उस विमला देवी को मैंने 5 महीने अपने सेंटर में जॉब दी। 5 महीने के बाद देखा मैंने उसकी मानसिक स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है और उस लेडीज़ ने मेरे ही सेंटर के जो और लड़कियां काम कर रही थी, सीख रही थी, उनको मारने पीटने की कोशिश कर रही थी। मैंने फिर वो टीचर चेंज कर दी, उनकी जगह मैंने उषा देवी रखी थी। उषा देवी तब से अगस्त 1 से उषा देवी वहाँ पर एम्प्लॉय थी मेरी। उसके बाद विमला देवी ने जम्मू परिवर्तन वालों को ब्लॉक कर लिया, किसने भी कोई साजिश चलाई है, जो भी मिले हुए थे उनके साथ वो सब ने मिलकर विमला देवी को कहा कि तुम बोलो कि मैडम ने मेरे से पैसे लिए हैं, 25,000 लिए हैं, ये लिए हैं, जबकि ये ट्रस्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि मुझे गवर्नमेंट से कुछ मिला है, कोई फंडिंग नहीं हुई है मेरे को और मैं अपनी जेब से चला रही और मेरा नाम सरासर इन्होंने गलत इल्ज़ाम मेरे पे लगाया और मेरा नाम बदनाम किया गया है। तो आज बानी जी आप हमारे पास आए हैं, जम्मू परिवर्तन न्यूज़ के ऑफिस आए हैं, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने दिखाए सारे, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण था जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का होगा? मैं कारण आपको ये बता रही हूँ कि जो भी लोग जिन्होंने ये साजिश रची है उनको थ्रू कोर्ट मैंने नोटिस भेजे हैं जिनके नाम थे वो, लेकिन जिन्होंने ये चाल चलाई है ये मेरा नाम बदनाम करने के लिए कि ये मैडम आगे क्यों आ रही है, कैसे ये काम चला रही है, अपनी जेब से कैसे कर रही है, और मेरे पे बड़ा घिनौना इल्ज़ाम जो कि 25,000 का लगाया गया है। 25,000 रुपया मैंने तो वहाँ 1 साल सेंटर चलाया है, तो मैंने सारा वहाँ पे जो भी सामान जो भी कुछ लगाया वहाँ, मशीनें लगी हैं, दरियाँ लगाई हैं मैंने, फ्रेम वगैरह, कपड़ा, सुई धागा जितना भी है, मैंने एक लड़की से भी 1 रुपये की मदद नहीं ली है। उनको ये नहीं बोला कि सुई भी अपने घर से लाओ, सुइयाँ भी ग्लोबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ही दी हैं। तो फिर मेरा नाम बदनाम करने में जिनका हाथ था वो, मैं आप नाम इनको क्या बताऊँ आपको कि कौन है वो, कौन है वो, समझ आएंगे वो, खुद ही देख लेंगे कि ये उन्होंने मेरे साथ कौन सी हरकत की। जी ये मणिपुर हैं जिनके खिलाफ न्यूज़ चली थी, आज ये अपने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर के हमारे पास आए हैं। डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर हम ये न्यूज़ चला रहे हैं क्योंकि न्यूज़ जब चलती है तो कई लोग जो हैं वो गलत तरीके से न्यूज़ को चला देते हैं। किसी कारणवश उन दिनों में हमारे इनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, जिस कारण ये न्यूज़ जो है वो चली। आज हम ये न्यूज़ दोबारा से जम्मू परिवर्तन के पेज के ऊपर अपडेट कर रहे हैं कि लोगों को ये पता चल जाए कि बानीकोर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास ले गए हैं, वो ऑथेंटिक हैं, इस करके हम ये जो न्यूज़ है वो सारे दर्शकों को दिखाने की जरूरत कर रहे हैं।